गाय की मुख्य आकृति बनती है, इसमें डायबिटीज में राहत, पीछे बैक पेन, गर्दन का दर्द दूर होता है, हाथों का दर्द इससे दूर होता है। अब हम करेंगे गोमुखासन, इसमें गाय के मुख की आकृति बनती है। राइट पैर घुटने से फोल्ड करें, घुटने पर लेफ्ट पैर का घुटना आए। यदि घुटने के ऊपर घुटना नहीं आ रहा है, दोनों हथेलियां पैरों पर स्थापित करें और ऐसे मूवमेंट दीजिए इस तरह। इस के मुख की आकृति बन गई है। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे ले जाएं, दूसरा हाथ बगल से, दोनों हाथों में लोक लगाएं, कोहनी सिर के पीछे, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी रहे, चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे। धीरे धीरे छोड़ें, अब पैरों को सामने फैलाएं, अब लेफ्ट पैर फोल्ड करें, राइट पैर, लेफ्ट पैर के घुटने पर राइट पैर का घुटना, इस तरह मूवमेंट दीजिए। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, लेफ्ट हाथ बगल से लोक लगाएं। जो लोक नहीं लगा सकते हैं वो रुमाल का सहारा लें, रुमाल का सहारा लेके पकड़ सकते हैं। कोहनी सिर के पीछे न जाए कोई बात नहीं, प्रयास करिए। धीरे धीरे छोड़ें, अब पीछे वाली मुद्रा आप देख लीजिए पीछे कैसा रहेगा। एक बार वापस रिपीट करेंगे, राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट पैर, राइट घुटने के ऊपर लेफ्ट पैर का घुटना, अब लेफ्ट हाथ ऊपर से, राइट हाथ बगल से लोक लगाएं। सरलता से सीधे बैठने का प्रयास करें। अब जो लोग नहीं लगा सकते हैं वो रुमाल का सहारा ले सकते हैं, रुमाल से पकड़ के कर सकते हैं। धीरे धीरे छोड़ें, अब दूसरे पैर से मूवमेंट दीजिए, बॉडी को बनाए पोस्चर। यथाशक्ति रुकने का प्रयास, धीरे धीरे छोड़ें। इसे कहते हैं। अब हम करेंगे गोद्वासन, गाय दोहने की आकृति। पंजों के बल एड़ियों पर बैठें, जो नहीं बैठ सकते हैं वो ऐसे सहारा ले सकते हैं। पंजों के बल एड़ियों पर बैठें, अब घुटनों में फासला, बर्तन रखने उतना, गाय के दोहने की मुद्रा गोद्वासन। हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं और घुटनों पर भी रख सकते हैं। सामने रख के देखिए बैलेंस के साथ, जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है वो ऐसे सहारा लीजिए, और बैलेंस बन रहा तो सामने। अब घुटनों पर धीरे धीरे छोड़िए, आ जाइए नीचे। अब देखिए एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें पूरे शरीर का वजन पंजों पर आता है, पंजों में कोई भी दर्द हो दूर हो जाता है। भगवान महावीर को इसी आसन में केवल ज्ञान हुआ था, तो एकदम इससे मन शांत होता है, अच्छा आसन है। बैठिए एक बार वापिस पंजों के बल एड़ियों पर, पहले से सहारा लेके बैठिए। जिनका वजन ज्यादा है, बॉडी है, वो थोड़ा संभाल के करें। हाँ, अब आप घुटनों को टिका दीजिए, पूरी स्थिरता, हलन चलन बंद, बैलेंस के साथ करने का प्रयास करें। अब देखें आप धीरे धीरे नीचे छोड़िए,
अब आप एक बार खड़े रहिए, खड़े होके भी हम कर सकते हैं, सब खड़े हो जाएं। जिनका बैलेंस नहीं बनता है वो अपनी सुविधा अनुसार करें। दोनों हाथ सामने लाएं, धीरे धीरे पंजों के बल बैठेंगे हम, पूरा बैलेंस बनाकर कॉन्फिडेंस के साथ, और नहीं होता तो जबरदस्ती ना करें। इस तरह बैठिए, धीरे धीरे, स्लोली, आराम से। जो पहली बार कर रहे हैं वो जबरदस्ती ना करें, जितना हो उतना करिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप देखिए। अब इसी मुद्रा में उठिए वापिस बैलेंस के साथ, एक बार और करेंगे, एकदम स्लोली स्लोली, नो जल्दबाजी, जल्दबाजी ना करें। यस, भरे श्वास छोड़ते हुए आइए नीचे, बैलेंस 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 बैलेंस, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। धीरे धीरे संपन्न, घुटनों को टिका दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स। करेंगे आसन, आज जिसे पीछे की ओर जाती है, बैक पेन में अच्छी राहत मिलती है, गले की तकलीफ इससे दूर होती है। तो एक बार ऐसे खड़े हो जाइए, एक बार मुझे देख ले, नहीं तो ऐसे खड़े होके पहले राइट हाथ को इस तरह ले जाएंगे, फिर लेफ्ट को, हथेली को टिका दीजिए एड़ी पर, अगर ऐसा नहीं होता एक बार आप बैठिए, देखिए आप पीछे का पोस्चर इस तरह खड़े होना है, घुटनों के बल। अब राइट से राइट पैर, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट, इस तरह पकड़ लीजिए, अगर इस तरह नहीं छोड़िए धीरे धीरे, अगर ऐसे नहीं होता है बैठिए और दोनों हथेलियों को एड़ी के बल बैठ जाइए, दोनों हथेलियों से एड़ी को पकड़ लीजिए, अब बॉडी को उठाइए, थोड़ी देर रुकने का प्रयास यथाशक्ति। धीरे धीरे वापस आए, एक बार और करिए, एड़ी को मजबूती से पकड़ लीजिए, अब बॉडी को उठाइए ऊपर, गर्दन पीछे, धीरे छोड़िए, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब तैयार, वापिस खड़े हो जाइए, पूरे घुटनों के बल, पंजों के बल, एड़ियों पर बैठिए, घुटने जमीन से टिके हुए, दोनों हाथों की बाहों को पकड़िए क्रॉस। अब इसमें बॉडी को उठा के पीछे की ओर जाना है, इस तरह धीरे धीरे ऊपर, पुनः स्थिति में एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठें, गर्दन पीछे की ओर, बॉडी को पीछे ले जाएं, चंद्रासन, धीरे धीरे छोड़िए और आराम से बैठिए, रिलैक्स रिलैक्स।